नागिन माँ। पिछली स्टोरी में आपने देखा कि नागिन गांव के सभी बच्चों को चुड़ैल से बचाती है। अब आगे कई साल बीत जाते हैं, वो बच्चा भी बड़ा हो गया था। नागिन ने उसका नाम शिव रखा था, लेकिन उसे नागिन के बारे में कुछ नहीं पता था। नागिन नहीं चाहती थी कि उसको सच्चाई का पता चले, क्योंकि नागिन उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन उसने नागिन से पूछा, माँ, आपने कभी मेरे पिताजी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे सभी मित्र पूछते हैं कि मेरे पिता कौन थे। उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ माँ। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? या मैंने तुम्हें कोई कष्ट दिया है जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। नागिन उसको कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। माँ, मुझे उनके बारे में क्यों नहीं कुछ बताती? आखिर ऐसी क्या बात है जो सही समय का इंतजार कर रही है? नागिन कमरे में अकेले बैठकर सोचती है। लगता है अब शिव को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, लगता है अब मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। और दूसरी तरफ वो तांत्रिक भी अपनी माया रच रहा था। तांत्रिक उसी जंगल में अपनी शक्तियों का आह्वान कर रहा था। बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अब वो नागिन मुझसे नहीं बच पाएगी, क्योंकि अब मेरे पास वो प्रत्येक शक्तियां हैं जिससे मैं उसका अंत कर सकता हूँ। अब तो वो बालक भी बड़ा हो चुका है, अब उसको लाना इतना सरल नहीं होगा। अब मुझे मायावी मोहिनी को बुलाना चाहिए। तांत्रिक अपनी माया से मोहिनी चुड़ैल को प्रकट करता है। चुड़ैल, गांव में शिव नाम का एक लड़का है, उसको यहाँ लेकर आ। लेकिन याद रहे, उसके साथ एक इच्छाधारी नागिन है जो उसकी रक्षा कर रही है। तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको यहाँ लेकर आना होगा। ठीक है तांत्रिक, मैं अपने माया जाल के द्वारा उसे यहाँ लेकर आऊंगी और उस नागिन का भी खात्मा कर दूंगी। मेरा नाम मोहिनी है। चुड़ैल एक बहुत सुंदर लड़की का रूप ले लेती है और गांव की ओर चल देती है। अब शिव रोज रोज नागिन से यही सवाल पूछता रहता था और उससे नाराज रहने लगा था। एक दिन वो रात के समय घर के बाहर घूम रहा था और चलते चलते जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा सांप आ जाता है। सांप, बचाओ, बचाओ! शिव उससे घबराकर भागता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ से सांपों ने उसे घेर लिया है। अब मैं क्या करूं? कोई बचाओ मुझे। तभी मोहिनी जलती हुई मशाल लेकर आती है और उन सभी सांपों को भगा देती है। सभी सांप वहां से गायब हो जाते हैं। शिव उससे बोलता है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर आप सही समय पर ना आती तो मैं इन सांपों से नहीं बच पाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी है। जंगल के दूसरी तरफ मेरा घर है। रास्ता भटकने की वजह से मैं यहाँ पहुँच गई। पास में मेरा घर है, वहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। आप मेरे घर चलिए। शिव उसको अपने घर लेकर जाता है। नागिन जैसे ही उस लड़की को देखती है, वह उसे पहचान लेती है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। लेकिन वह शिव की वजह से कुछ नहीं बोलती। बेटा शिव, कौन है ये? माँ, इनका नाम मोहिनी है। और माँ, आज मुझे बहुत सारे नागों ने घेर लिया था, तभी इन्होंने आकर मेरी जान बचाई। नागिन समझ जाती है कि ये चुड़ैल की माया है। शिव, बहुत रात हो गई है, अब जाकर सो जाओ। मोहिनी, तुम भी आराम कर लो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ। नागिन जैसे ही उसके साथ कमरे में जाती है, वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से नागिन पर पीछे से वार कर देती है। नागिन उसके वार से मूर्छित हो जाती है। चुड़ैल नागिन का रूप ले लेती है और शिव के पास जाती है। चलो अब तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ठीक है माँ। शिव अपने कमरे में सो रहा था, तभी वो चुड़ैल उसके पास आ जाती है और उसे लेकर गायब हो जाती है। शिव की जब आंखें खुलती है तो वो उस तांत्रिक के सामने होता है। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तेरा काल हूँ। बचपन में तुझे उस नागिन ने बचा लिया था, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये तुम क्या बोल रहे हो?
तांत्रिक उसे सारी बात बताता है कि जिसके साथ वह रह रहा है वो एक नागिन है, और तांत्रिक शिव को जोर से प्रहार करता है और शिव गिर जाता है। आज मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा और मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। तांत्रिक अपनी तलवार उठाता है और शिव पर वार कर देता है, तभी शिव वहाँ से गायब हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? तभी उसके सामने शिव आ जाता है। तांत्रिक, तू मेरा नहीं, मैं तेरा काल हूँ। नागिन ही शिव के रूप में कमरे में सो रही थी, जिसको मोहिनी साथ ले आती थी। मोहिनी, तुम्हें क्या लगता है, सारी माया तुम्हें ही आती है? आज तुम दोनों को मैं अपनी माया दिखाती हूँ। नागिन, तो आज तेरा अंत होगा। तांत्रिक और चुड़ैल दोनों नागिन पर हमला कर देते हैं, और नागिन भी अपनी शक्तियों से उन दोनों का मुकाबला करती है। नागिन जंगल के सभी सांपों को बुला लेती है और वो सभी तांत्रिक पर हमला कर देते हैं। इतने सारे सांप, मोहिनी बचाओ मुझे। और नागिन अपनी शक्तियों से चुड़ैल को भस्म कर देती है। तांत्रिक को बहुत जहरीले सांप डस लेते हैं, जिसके कारण तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है, और नागिन वापस शिव के पास चली जाती है और उसको सारी सच्चाई बताती है। बेटा शिव, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैंने तो केवल तुम्हें पाला है लेकिन जन्म नहीं दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, और आप ही मेरी माँ हो, और आपने ही मुझे जन्म दिया है, क्योंकि मुझे उस तांत्रिक से बचाकर आपने ही नया जीवन दान दिया है। फिर वह नागिन हमेशा एक इंसान के रूप में उसके साथ रहने लगी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।